कहा जाता है कि आस्था और भक्ति का कोई पर्याय नहीं है। भारत देश में आध्यात्मिकता और भगवान में आस्था पुरातन काल से चली आई है। ये तस्वीरें नर्मदा मैया की भक्ति और कठोर तपस्या की गवाह है। ये दंडवत बाबा है जो महाराष्ट्र पुणे के निवासी हैं और पिछले 15 महीने से नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं, लेकिन चलने की परिक्रमा नहीं पर दंडवत करते वो नर्मदा के उद्भव स्थान अमरकंटक से निकले हैं और भरूच पहुंचे थे, फिर वापस अमरकंटक जाएंगे। 18 अक्टूबर 2018 से दंडवत बाबा इस नर्मदा परिक्रमा पे निकले हैं और अभी करीबन 1.5 साल के बाद वो अमरकंटक पहुंचेंगे। इस तपस्या को कुबेर भंडारी ट्रस्ट के संचालक रजनी भाई पंड्या ने सत सत नमन किए थे। नर्मदा माता ऊपर अथाग श्रद्धा राखा वाला आ एमिया तीजी परिक्रमा से एक बार चालन करेली, पर आ वखते ये अमरकंटक थी भरूच ने भरूच से अमरकंटक लगभग 3,600 किलोमीटर दंडवत करता करता माताजी ने उभयतट पावनी दंडवत करता करता से ते आखी परिक्रमा पूरी करे से। नर्मदा माताए એમને શારીરિક શક્તિ એવી આપી છે કે આવી ઠંડીની અંદર પથ્થર કાંકરા ધૂળ રેતી આવે કાંટા આવે આ બધાની અંદર નર્મદા માતા એમનું રક્ષણ કરે છે। દંડવત બાબાને ઇસે પહેલે પેદલ નર્મદા પરિક્રમા કી હૈ જો 4 મહિને મેં પૂરી હુઈ થી। અબ કી બાર વો દંડવત પ્રણામ કરતે પરિક્રમા પે નિકલે હૈ જિસકા પૂરા અંતર 3,600 કિલોમીટર કા હૈ। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक ये बाबा दंडवत परिक्रमा करते हैं। इसे नर्मदा मैया की कृपा ही कहिए कि दंडवत बाबा को ना तो कोई धूप रोकती है, ना ही बारिश और ना ही कंकर पत्थर या धूल। बस माँ नर्मदा का नाम लेकर दंडवत बाबा इस कठोर तपस्या पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। दंडवत बाबा। कहाँ के हैं आप रहने वाले? महाराष्ट्र आलंदी, पुणे आलंदी। यहाँ नर्मदा परिक्रमा करने का प्रयोजन क्या है? नर्मदा के दर्शन होने के लिए हम परिक्रमा करते हैं। कब निकले हैं? क्या 15 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ से शुरू किया है? अमरकंटक। कौन सी आपको तारीख? तारीख 2018 10वां महीना 18 तारीख। तो कब पहुँचे क्या? अभी और 1.5 साल लगेगा। आपको रास्ते में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई परेशानी। इसकी वजह क्या है ये करने का? कुछ बस एक तपस्या करिए। ये पहली बार क्या? और पैदल किया हूँ। पहले पैदल किया, ये दूसरी बार है। हाँ, उसमें कितना टाइम लगा? पैदल में 3-4 महीने हो जाती है। 3-4 महीने। हाँ, तो फिर ये बारिश में तो आपको तकलीफ तो पड़ती होगी? रुक जाते बारिश। अच्छा, अभी कहाँ रुके थे ये बारिश में? ये बड़वान जिला एमपी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।